न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी कक्षा 12 पाठ 5 घर उसके दूसरे भाग की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम पाठ का सार और कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। तो चलो, घर का पाठ का सार है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। घर घर होता है, कि कैसा भी हो, किसी भी हालत में क्यों न हो, उसमें रहने वालों का उससे भावात्मक लगाव होता है। यदि उसे अपने हाथों से रच रच कर बनाया गया हो तो फिर कहना ही क्या है। उसमें रहने वालों का मोह उससे कभी नहीं जाता। प्रस्तुत निबंध में लेखक शहर में स्थायी जाने के बाद गांव के अपने पुराने और जर्जर घर को बेचने का निश्चय करते हैं, पर अंत में अपनी बुढ़ी माँ के आग्रह के कारण उन्हें अपना निर्णय बदल देना पड़ता है। लेखक और उसका पुश्तैनी घर, लेखक, उसके सभी भाई, सभी परिवार तथा उसकी माँ शहर में स्थायी हो गए। गांव में लेखक का पुश्तैनी घर है, जिससे उनके दिवंगत पिता तथा उनकी माँ ने खुद परिश्रम से बनाया था। वह घर अरसे से बंद रहता है और जर्जर होता जा रहा है। घर बेचने का निश्चय, गांव के अधिकांश लोगों ने शहर में स्थायी जाने के कारण अपने अपने घर बेच दिए। अब उनमें नए लोग आ गए जिनसे लेखक का कोई संबंध नहीं बना है, इसलिए लेखक भी अपनी बुढ़ी माँ की अनुमति से गांव का घर बेच देने का निश्चय करते हैं। ऊहापोह की स्थिति, घर बेचने का निश्चय करने के बाद लेखक का मन उद्विग्न होता है। मन में विचार आता है कि पुश्तैनी मकान क्यों बेचा जाए। कितनी मेहनत से उनके पिताजी और माताजी ने उस घर को बनाया था। पुरानी यादें, लेखक को घर से पुरानी बातें याद आती है। आंगन में खेलना, दूर गांव पढ़ने जाना, बहन भाइयों के विवाह मंडप, पड़ोसियों से झगड़े, पशुओं के बांधने की जगह, दादा दादी की मृत्यु, पिता की मृत्यु आदि आदि। घर घर है, लेखक सोचते हैं कि यह घर केवल चार दीवारों से घिरा कोई मकान नहीं है जिसे बेच दिया जाए। इस घर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। फिर वे सोचते हैं कि यह भावुकता है, जब गांव जाना ही नहीं है तो उस घर को रखने से क्या फायदा। अंत में घर निकाल देने का ही निर्णय लिया जाता है। घर बेचने के पहले लेखक और उनके सभी भाई एक बार सपरिवार अपने उस गांव के घर में कुछ दिन एक साथ रहने का निश्चय करते हैं। फिर लंबे अरसे बाद वो घर खुलता है और परिवारजनों से सुना घर गुलजार होता है। माँ की प्रसन्नता, पुराने घर में आने पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न लेखक की माँ थी। लेखक के पिता की मृत्यु के बाद वे लगभग उदास ही रहती थी। वो विवाह आकर सबके बीच प्रसन्न थी। लेखक की व्यग्रता, लेखक को इस घर में बिताई पुरानी बातें याद आती है और वो उन्हें व्यग्र करती है। उन्हें लगता है कि जैसे घर की दीवारें उनसे कह रही है कि एक दिन तो इतने दिन बाद आए हो और हमेशा के लिए इसे दूसरों को देकर चले जाना चाहते हो। माँ का रोना, लेखक घर में विभिन्न स्थानों पर जाते जाते दालान में जाते हैं। वे वहाँ अपनी माँ को रोते हुए देखते हैं। वे माँ से रोने का कारण पूछते हैं तो केवल इतना कहती है कि जब तक मैं जी रही हूँ तब तक ये घर मत निकालो। मकान खरीदने वाले का आना, लेखक के छोटे भाई के साथ वो आदमी आता है जो मकान खरीदने वाला था। माँ छोटे भाई से भी तब तक ये मकान न बेचने की कहती है कि जब तक वो जिंदा है। छोटे भाई का जवाब, छोटा भाई माँ की भावनाएं समझ जाता है। वो मकान खरीदने वाले आदमी से कहता है, भाई कुछ समय रुक जाओ, हम ये घर देंगे तो तुमको ही देंगे। सबकी छाती से पत्थर उतरा। इस निर्णय से घर के सभी लोगों की छाती पर से जैसे पत्थर साट गया। अब सभी प्रसन्न थे।
अब इस पाठ के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पांच वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, लेखक के पुराने घर के साथ परिवार का क्या संबंध था? उत्तर, गांव के पुराने घर को लेखक के पिता ने पक्की ईंटों से बनवाया था। वह चिनाई के लिए घड़ा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाए थे। घर बनाने में वो घर के प्रत्येक सदस्य ने सहयोग दिया था। उसी घर में लेखक के सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। वहीं उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई थी। लेखक की सभी संतानों का जन्म भी उसी घर में हुआ था। उसी घर में लेखक के भाइयों और बहनों के मंडप सजे थे। इस प्रकार पुराने घर के साथ परिवार का गहरा संबंध। गांव का पुश्तैनी घर बेचने से पहले लेखक के मन में क्या क्या विचार आए? लेखक ने गांव को के पुश्तैनी घर को बेचने का निश्चय कर लिया था, परंतु बाद में उसका मन उद्विग्न हो गया। उसे लगा कि आखिर वो पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए? कितनी मेहनत से उसके पिता और माँ ने उस घर को बनाया था। उसी घर के आंगन में वह खेले थे, वहीं रहकर उन्होंने शिक्षा पाई थी। उसी घर में उसकी बहनों और भाइयों की विवाह मंडप सजे थे। पड़ोसियों से झगड़े हुए थे, वहीं उनके पशु बांधे जाते थे। उनके दादा दादी और पिता की मूर्ति भी उसी घर में हुई थी। इस प्रकार गांव का पुश्तैनी घर बेचने से पहले लेखक के मन में तरह तरह के भावनापूर्ण विचार आते हैं। लेखक ने गांव का घर बेचने का क्यों निश्चय किया? लेखक, उनके सभी भाई, सभी परिवार, उनकी माँ शहर में रहने लगे थे। गांव में लेखक का पुश्तैनी घर था, जिससे उनके दिवंगत पिता तथा माँ ने बड़ी परिश्रम से बनाया था। वो बहुत समय से बंद पड़ा था और जर्जर होता जा रहा था। गांव के अधिकांश लोगों ने शहर में स्थायी हो जाने पर अपने अपने घर बेच दिए थे। अब उनमें से नए लोग आ गए थे जिनसे लेखक का कोई संबंध नहीं था। उस घर का खरीदार भी अच्छा मिल रहा था, इसलिए लेखक ने अपनी बुढ़ी माँ की अनुमति से गांव के घर को बेच देने का निश्चय किया। प्रश्न चार, घर बेचने से पहले परिवार ने क्या किया? उत्तर, गांव के पुराने घर बेचने से पहले परिवार ने एक बार फिर वहाँ साथ रहने का निर्णय किया। एक लंबे समय बाद घर खुला। देखते ही देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वो सुना घर फिर गूंजने लगा। पुराने दिन वापस लौट आए। पति की मृत्यु के बाद लेखक की माँ लगभग उदास रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंग में रुचि नहीं लेती थी। पुराने घर में आकर वो प्रसन्न रहने लगी। वहाँ के वातावरण में उन्हें आत्मीयता की अनुभूति होती थी। इस प्रकार घर बेचने से पहले परिवार ने एक बार फिर उसमें रहने का आनंद अनुभव किया। पांच, घर बेचने से माँ को क्यों दुख हो रहा था? गांव के पुराने घर से माँ का गहरा जुड़ाव था। इसके निर्माण में उन्होंने योग दिया था। उन्होंने उस घर की सतर्तिक ईंटें चढ़ाई थी। सतिर मतलब लेंटर लेवल तक। उन्होंने सतिर तक घारे के तसले चढ़ाए थे। उनकी संतानों का जन्म भी उसी पुराने घर में हुआ था। माँ का अधिकांश जीवन उसी घर में बीता था। वो उनके जीवन में हुए अनेक अच्छे बुरे प्रसंग का साक्षी था। उसे बेचने का उनके लिए अपने आत्मीय जन से बिछोड़ने के समान था। वो अपने जीती जी उसे बिकते नहीं देख सकती थी, इसलिए घर बेचने से माँ को दुख हो रहा था। प्रश्न छ, गांव के पुराने घर में बैठे लेखक कैसी व्यग्रता का अनुभव करते हैं? उत्तर, गांव के पुराने घर में बैठे लेखक का मन अनेक पुरानी स्मृति से गिर जाता है। उस घर के दालान में उसकी वर्णमाला सीखी थी, उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़े थे। लेखक आंगन में खाट बिछा कर लेट जाते हैं। आज भी वह नींद नाद थी और फूटे थे। लेखक को लगता है कि जैसे पहले वहाँ बांधे जाने वाले पशु रंभा रहे हो। लेखक का ध्यान उस खपरे पर पड़ जाता है जहाँ चौमासों में इसका संगीत सुनते थे।
उन्हें वह तोरण याद आता है जिसके नीचे उनकी बहनों के विवाह मंडप सजे थे। उन्हें लगता है कि जैसे घर की दीवारें उनसे कह रही है कि इतने दिन बाद तो आए हो और आप दूसरों को घर बेचकर चले जाना चाहते हो। इस प्रकार गांव के पुराने घर में बैठे हुए लेखक गहरी व्यग्रता अनुभव करते हैं। दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए। एक, लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार क्यों किया? लेखक और उसके भाई के परिवार के सभी लोग शहर में स्थायी रूप से रहने लगे थे। मोहल्ले के पुराने पड़ोसी भी शहर में रहने लगे थे और उनमें से अधिकतर लोगों ने अपने अपने घर बेच दिए थे। अब गांव में उनका कोई रहा नहीं था, इसलिए उस घर को रखने का अब कोई आकर्षण नहीं था। इसलिए लेखक ने पुराना घर बेच देने का विचार किया। प्रश्न दो, लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था? लेखक का पुराना घर उसके पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर ईंट गाड़ी से पक्का मकान बनाया था। मकान बनाने के लिए वह बैलगाड़ी से ईंटें लाए थे और घारे के लिए तालाब में से चिकनी मिट्टी खुद खोद कर लाए थे। लेखक की माँ ने सहतर्तिक घारे के तसले चढ़ाए थे। इस तरह लेखक के माता पिता ने गांव के घर को समय मेहनत करके अपने हाथों से बनाया था। प्रश्न तीन, लेखक को क्यों लगा कि माँ का हृदय अभी भी जीवंत है? लेखक की बुढ़ी माँ को कम दिखाई देता था। लेखक को ऐसा नहीं लगता था कि वह अधिक दिन निकाल पाएगी। लेखक के पिता के अवसान के समय भी वे रोई नहीं थी, पर अब घर बेचने की बात को लेकर वह रो रही थी। इन सभी बातों से लेखक को लगा कि उनकी माँ को अभी अधिक दिन जीने की चाह है, अभी इनका हृदय जीवंत है तथा उन्हें जीवन की और जगत में रुचि है। प्रश्न चार, घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ? घर बेचने के निर्णय को लेकर लेखक की माँ के भाव को जाने के बाद घर अभी न बेचने का निर्णय किया गया। इस निर्णय से लेखक के परिवारजनों की छाती पर से जैसे पत्थर सा हट गया। उसे ऐसा लगा मानो बरसात के बाद खुले आकाश में जैसे माँ का मुंह देखकर जर्जरित घर हंस रहा हो। सभी को अदृष्ट ग्रह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श हुआ। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? घर के सभी लोग गांव से शहर में स्थायी हुए थे, इसलिए गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था? उत्तर, लेखक ने अपनी बुढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया। तीन, लेखक के पिता ने ये घर कैसे बनाया था? उत्तर, लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई लिए घारा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर ईंट का पक्का मकान बनाया था। चार, लेखक के सब भाइयों ने एक बार सपरिवार उस घर में साथ रहने को क्यों सोचा? उत्तर, गांव के पुश्तैनी घर से लेखक और उसके भाइयों का भावात्मक लगाव था, इसलिए घर बेचने का निर्णय लिया गया। तो सब लोगों ने घर बेचने से पहले एक बार सपरिवार उसमें एक साथ रहने लेने का निश्चय किया। पाँच, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? लेखक के छोटे भाई समझ लिया कि माँ इस समय घर निकालने के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने घर खरीदने वाले से कहा कि भाई अभी कुछ दिन रुक जाओ, ये घर हम देंगे तो तुमको ही देंगे।